हमरा बात कहते इतना घमंड बा कि सब इंस्टाग्राम के लेके पगला गेल बा से वो हमरा के पावे खातिर नेचुरल ब्यूटी बनी है से लेकिन इतना आसानी से नाम मिले में करिया वा हम ही नेचुरल ब्यूटी। हेलो नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आपको आज मिलाते हैं नेचुरल ब्यूटी जो कि रातों रात वायरल हो चुकी है, लड़कों लोग काफ़ी ट्रोल करती है। ये आपको समझिए कि साहेबगंज में भी काम कर रही है, आइए इनसे मिलाते हैं। कैसे नेचुरल ब्यूटी जाओ? ठीक है, बहुत अच्छा है। कैसा लगा साहेबगंज का माहौल आपको? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी यहाँ पे कॉमेडियन है, कॉमेडियन है, यूट्यूबर भी बहुत ज़्यादा हैं लोग, यूनिक यूनिक, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो क्या आपका जो फेमस डायलॉग सुनाई तो अपने ऑडियंस को? फेमस डायलॉग कौन सा सुनाए बताइए? वही करियक्को वाला। करियक्को काफी आपका मतलब कि समझे ना फेमस है मानी की। हमरे बात कहते इतना घमंड बा कि सब इंस्टाग्राम के लेके पगला गेल बा से वो हमरा के पावे खातिर नेचुरल ब्यूटी बनी है से लेकिन इतना आसानी से नाम मिले में करिया वा हम ही नेचुरल ब्यूटी। अरे वाह वाह, देखिए यही डायलॉग से समझिए कि रातों रात मतलब कि नेम फेम कमा चुकी है नेचुरल ब्यूटी। अभी आपका अवधेश क्रांति की टीम में काम कर रही है, अभी समझिए कॉमेडी लाइन में जुड़ गई है, अच्छा सा कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। और सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। कैसे आपको पता लगा यहाँ हमसे मिलकर? कैसे लगा आपको? हम भी ब्लॉगर हैं, आप समझिए कि इसी फील्ड से हैं तो पता तो करना ही पड़ेगा। हाँ। ना अपडेट करते रहते हैं, दिलीप वॉइंस हो गया, सब अखी जी हो गया, सब लोग मनी मिला, सभी की टीम का अपडेट करते हैं तो देखे हैं कि नहीं इसमें नया मेंबर जुड़ चुकी है नेचुरल ब्यूटी जो कि लड़कों काफी ट्रोल करती है। पता नहीं क्या इनको लड़कों से, तो हम आपसे बताए तो हम डरते नहीं हैं। हर किसी से दब के थोड़ी रहना चाहिए, सोचे कि ज्यादा लड़का सब लड़की के बारे में बोल रहा है तो हमको भी उठना चाहिए। नहीं डरना नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल में काफी सुंदर है और सेम इनका नेचुरल ब्यूटी है, इसी कारण से समझिए कि सबको ट्रोल करती है। अब मतलब ट्रोल करने का क्या कारण है? मतलब लड़का से क्या, लड़का से कोई एलर्जी उलर्जी है क्या? कहा और एक बात की एलर्जी हमको नहीं है। हाँ, सही है। हाँ। जो जैसा है उसको वैसे ही बोलो ना, कहा जरूरत है फालतू करने का? अपना लड़का सब है तो उठ नहीं, मेरा लिमिट से रहो, इज्जत बना के रहो। अब ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो नेचुरल ब्यूटी तो है तुम लोग को तोड़ने के लिए। बात सही है भाई। हाँ, आपको एक पॉइंट मिल गया लड़का का कि हाँ चलो भाई लड़का सबको टोल करके पूछा गया ना। पॉइंट हकीकत भी कुछ कुछ इसमें है। हाँ, जैसे कि क्या हकीकत बताइए? हकीकत भी है, अपने आप को रंगबाज खूब बनेगा, खूब बनता है। ठीक है, आप कोनो को देखे तो खिली खाई नहीं दो ना, तो क्या रंगबाजी? अरे अपने दम पे खरीदो, खाओ, रहो, आराम से ऐश करो। नहीं तो वो तो भाईचारा है, भाई खाई भाईचारा नहीं तो सब है ना। हाँ, भाईचारा है खाने। अब जना रहे हैं पैकेट में 10 रुपया है ही नहीं, कुछ कुछ लड़कों के लिए है ये, तो उतना ही जनाइए। अब जो अच्छा है लड़का है वो सब तो नहीं करता है, दुनिया में बहुत अच्छा लड़का है, जितना में रहता है उतना ही में खुश रहता है, जनाता नहीं है किसी के पीछे। आजकल बहुत सारा रंगदारी सॉन्ग्स भी आ रहा है ना, सुने हैं कि नहीं? हाँ, आ रहा है। कौन सा है? जैसे कौन सा सुने है? ये गाते हैं क्या नाम, माहौल बदले वाला वाला। हाँ, बहुत सारा गाना है मारा दरिया रहा है। छोटू जी है, छोटी सिपारी जी, ऐसे छोटी सिपारी, उनका भी तो समझिए कि रंगदारी सॉन्ग्स भी आता है। और कोई कुछ फेमस डायलॉग जो कि मेरे ऑडियंस को सुनाइएगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से? कुछ और करिया के ऊपर? हाँ, कोई और? हाँ, बहुत सारा। आपको तो आपको बुरा नहीं ना लगेगा? हाँ, हमको कहीं बुरा लगेगा जी। डायलॉग होता है ना, कोई डायलॉग डायलॉग होता है। अच्छा, ये भी बैठाने के लिए दिमाग भी रहना चाहिए। ठीक है, चलते फिरते मैं डायलॉग बना लेती हूँ। आपको समझिए आपका टैलेंट है, एक्स्ट्रा टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड होता है। ये चलते तो है कि हम चलते फिरते डायलॉग बना लेते हैं। हाँ, तभी तो इस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो वायरल हुए हैं। हाँ। आप में कुछ एक्स फैक्टर, तभी तो कुछ कॉपी नहीं करते हैं जो। हाँ। हमको डायलॉग बैठा देते हैं, देख के बैठा देते हैं। अरे वाह, चलिए तो कुछ और डायलॉग था बैठाइए। ब्लैक शॉर्ट तो लड़की में जचला, लड़का समय से ना जचला कि वो ऑलरेडी कोरिया कोरिया रहला, का तो नहीं इतना कोरिया रहला सर, लेकिन हम ना, हम है नेचुरल ब्यूटी। आ तनि चश्मो लगे बस हरियरका ललका पेड़ के तनिक मुँह पे बढ़ जाए, लेकिन हमरा में ना कहे से कि हम है नेचुरल ब्यूटी कोरिया। ऐसा कोई बात नहीं, लड़की लोग भी तो ब्लैक पहनती है ना। पहनती है लड़का, लड़का लोग सूट नहीं करता है क्या? सूट सब पे करता है, बस ये जो मेरा डायलॉग है। ओहो, डायलॉग है। हाँ, आपका पंच लाइन बढ़िया है जो जो कि डायरेक्ट लड़का लोग को अट्रैक्ट करता है ना, जिस कारण से आपको भी काफ़ी अच्छी होता है ना। हमको ये नहीं लगता है कि क्या है क्या नहीं, जो भी बोलते हैं अच्छा लगता है। मेरा आवाज़ हर किसी को, बस बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। चलिए अच्छा है, आप अच्छा काम कीजिए भोजपुरी में, आपका भविष्य के लिए काफ़ी खुश करना है कि आप आगे बढ़े इस फील्ड में। हाँ, ये तो है, मेहनत करेंगे तो जरूर बढ़ेंगे। और सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग हम करते हैं सिवान जिला से, और मेरा पोस्ट गोरिया कोठी घर हरपुर है।
अभी आप साहेबगंज में रह रहे हैं? अभी हम साहेबगंज में रह रहे हैं। यहाँ का लोग देख लो, तुम लोग का जैसा फालतू कोई नहीं, सब कोई दिमाग लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप फालतू दिमाग इधर उधर कम, पीछे जाइए लोग, लेकिन थोड़ा अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए लोग। हम तो यही कहेंगे, कोई भी मतलब अपने काम पे फोकस दीजिए लोग, चाहे वो जैसा भी काम हो ईमानदारी से कीजिए लोग, किसी के पीछे मत लगे, कुछ फायदा नहीं होता है। गिराते रहिएगा 10 दिन, वो निकलने वाला निकल गया, आप ऐसे फिर कोई आएगा फिर गिर गिरेगा, आप कहीं का नहीं रहिएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। बाकी जो हमारा काम है तो हम कर रहे हैं, हमारे पीछे कितना सब लगा, फिर वो तो थक गया ना, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, हम भी देख रहे हैं सब, हम ही है। आप आगे ग्रो कर रही हैं, समझिए क्या भोजपुरी, समझिए भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए, कॉमेडी बनाएंगे और वायरल होंगे। हमको जैसा भी कॉमेडी मिलेगा हम एक झटका में बोल देंगे, हम कोई नहीं है, हमको बस गाना ये एल्बम हमको नहीं करना है लाइफ में। आपको कॉमेडी में इंटरेस्ट है? कॉमेडी कैसे कि हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा है, कॉमेडी कर रहे हैं तो अच्छा ही है। जैसे कॉमेडी में बहुत सारा चांदनी जी है जो कि कबूतरी के नाम से फेमस है, समझिए किसी फील्ड में सब आगे बढ़ रही है ना। तो आप भी बढ़िएगा, उनसे भी आगे आगे बढ़िएगा। और कौन सा कोई क्वीन करके है, बहुत सारे लोग हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री सॉरी भोजपुरी कॉमेडी अपना नाम कमा रहे हैं। आपका भी बेस्ट ऑफ लक और आगे काम अपना नाम कमाइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू।